तो हम पहुंच गए हैं, ये मेन गेट है और ये रहा ग्रुप ऑफ फोर मोहदम चौराहे दो में। अभी सेम प्रोसेस, हम लोग जाएंगे, टिकट कराएंगे और गाड़ी पार्क हो गई है यहाँ पे। एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग बात हो रही है लेकिन एरिया जो है अभी भी बिल्कुल गांव जैसा ही है। जैसे आप देख सकते हैं, एक एज एन एग्जांपल एक वो कह रहा, बिल्कुल मड और बैम्बू हट से बने हुए, ऐसा नहीं कि चारों तरफ बिल्डिंग विल्डिंग बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो देख के अच्छा लगा। तो भाई साहब, हम लोग आ गए हैं, टिकट हो गया, टिकट कर ये सामने, हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो ये है चौराहे दो मैदान, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फोर मोनूमेंट्स हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दे देते हैं। ये है बरियल मोन्ड्स ऑफ द अहोम किंग्स एंड नोबल्स। द अहोम्स फॉलोड अ यूनिक मोर्टुअरी प्रैक्टिस टू बरी देयर डेड किंग्स एंड नोबल्स इन कॉफिन। सो कॉफिन में यहाँ पे दफनाया जाता था, एंड एन अर्दन मोन्ड ऑफ पिरामिडल शेप, सो एक उसके ऊपर एक मिट्टी का पिरामिड बना दिया जाता था। तो दिस मोदम्स आर हेमिस्फेरिकल इन शेप्स एंड वेरी इन साइजेस डिपेंडिंग ऑन द पावर एंड स्टेटस ऑफ द बरीड इंडिविजुअल। सो गोल टाइप का करके, और जैसे जितना शक्तिशाली राजा है उतना बड़ा उनका पिरामिड होता था। तो ऑक्टागन एनक्लोजर वॉल विथ एंट्रेंस, एंट्रेंस भी रहता था अंदर लेकिन अभी जाने नहीं देते हैं, लेकिन वो कॉफी जहाँ पर रहता था वहाँ तक एंट्रेंस भी एक रहता था और अंदर उनके जो डेली यूज़ का सामान रहता था तो कॉफिन के साथ वो भी दिया जाता था। और जनरली ब्रिक स्ट्रक्चर बिग मोदम्स गदाधर सिंह, सो गदाधर सिंह से सबसे बड़ा जो है रुद्र सिंह और गदाधर सिंह का ही है। तो ये रुद्र सिंह जो है तो उन्हीं का हम लोग देख रहे थे, जो भी अभी रॉन्ग घर देख रहे थे, फिर तलातल घर, फिर अभी जो आज हम लोगों ने देखा कारेंग घर, तो ये रुद्र सिंह का ही था। तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अहोम किंग जो थे वही थे। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं पिरामिड्स, आसाम का पिरामिड, इंडिया का पिरामिड। तो कल हमने एक पिरामिड और देखा था, वो ट्रेडिशनली पत्थर और ईंट का जैसा पिरामिड होता था वैसा ही है। तो वो जो है वो देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वैसे यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, वो देखिए सामने एक दिख रहा है पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर, एक वो है मिट्टी का और सामने और एक दिख रहा है इधर। तो हमें जाना है वहाँ, तो आइए चढ़ाई शुरू किया जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट क्लाइम ऑन द मैदम्स, तो ये एक है सिटी दिया हुआ लेकिन चढ़ेगा नहीं। एक चीज़ अच्छा है जो यहाँ पे ये स्ट्रिप जो देख रहे हैं तो विजुअली इम्पेयर लोगों के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्किंग्स दिए हुए, आपको मेट्रो स्टेशन में भी दिखेगा। तो ये फील करके फॉलो करके लोगों को पता चलता है कि भाई ठीक है ये रास्ता जाना है, यहाँ पे डॉट डॉट्स हैं, तो अपने लिए भी अच्छा है, हम इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे कोई गाइड तो है नहीं, तो यही हम लोगों को लेके जाएंगे मैदम की तरफ। तो फाइनली एक ओरिजिनल या ऐसा मोदम है जिसमें हम लोग घुस सकते हैं। तो जैसे नीचे लिखा हुआ था, इसके आसपास एक ब्रिक वर्क है छोटा सा, पुराना जो अहोम ब्रिक्स हैं उससे बना हुआ है और ये पूरा काफ़ी बड़ा है। तो ये मेरे को लग रहा है या तो गदाधर सिंह का है या तो रुद्र प्रताप सिंह का है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस सिर्फ लिखा हुआ कि डू नॉट क्लाइम ऑन द मोदम्स। बट ये जो है, अच्छा उसके एंट्रेंस ब्लॉक है लेकिन आपको हम, अच्छा ये कुछ धस गया है लग रहा है ऊपर, ये एक्चुअली ये पूरा ऐसे गोल होना चाहिए, ऊपर का ये पूरा गोल होना चाहिए तो ढका हुआ है और शायद इसमें यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हो रहा है। अच्छा तो वैसे जो भी ये गोल होना चाहिए, एटलीस्ट इसका जो है ये पूरा मोन टाइप का होना चाहिए। अब वो देखिए, वो जो दूर में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता है, इससे बात पहले हम लोग जा नहीं सकते, तो वो एंट्रेंस है, तो उसके अंदर कॉफिन रहता है। मैंने कुछ पिक्स देखे हैं जहाँ पे लोग वहाँ तक जा सकते थे, मेरे को लग रहा है कि ये कुछ दिन रिसेंटली हुआ होगा। तो जो भी हो, ये आप देखिए वहाँ पे एक जो है ये एक कर्व स्ट्रक्चर है, एक गुंबज टाइप का है वहाँ पे ईंट का, उसके नीचे छोटा सा एंट्रेंस है, तो उसके अंदर ही कॉफिन जो है वो रहा होगा। और ये मैंने सुना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ खुदाई करे थे यहाँ पे, लेकिन लोकल जो लोग थे उन लोगों ने आपत्ति जाहिर किया था कि भाई नहीं, क्योंकि अहोम राजा जो है उनका भी वंशज अभी भी है, तो उन लोगों ने कुछ कोर्ट में केसेस वेसेस हुए थे, उसके बाद यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल काम बंद हो गया था। तो ठीक है, तो ये हो गया एक, हम लोग अब चलते हैं दूसरे पे जो वहाँ पे है, और ये काफ़ी बड़ा है जहाँ अभी जो गए थे हम लोग। लेकिन मेरे को एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे लिखा रहना चाहिए थोड़ा सा मोदम के सामने डिटेल्स दे दो कि ये गदाधर सिंह का है या कौन है यहाँ पे, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरे को ये मैंने देखा हर जगह, रोंगघर कारेंगघर जो भी हो, बहुत ही पुराना, बहुत हिस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन देने का कुछ
प्लेस या कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। तो अभी जो है अभी हम जाएंगे वहाँ, अब देख सकते हैं ऊपर उधर, तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक प्रॉपर मोईदाम जो है वो हमको दिखेगा। तो आइए चलते हैं मोईदाम की तरफ। तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये जो है जो वाल जो है इसके आसपास, ये आपको याद होगा हम लोग जो कल गए थे एक पिरामिड स्ट्रक्चर जो था उसमें ऑक्टागोनल था और चार आठ कॉर्नर में आठ स्तूपा जैसा था, तो ये भी मेरे को उस टाइप का लग रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये वॉल जो है ये ऐसा एंगल पे आ रहा है, वहाँ पे भी एक है, तो मे भी ये भी ऑक्टागोनल है, मेरे को ये डिटेल कहीं मिला नहीं है। और ये एक जहाँ पे जॉइन हो रहा है वहाँ पे ये ऐसा देवा है, मेरे को लग रहा है इसके ऊपर भी एक स्तूपा टाइप का रहा होगा, अभी टूट गया है, लेकिन ये ऐसा ही मेरे को ये वैसा ही लग रहा है जैसे वो वाला जयमोती कोरी का बोल रहे थे वहाँ पे ऐसा कुछ है। मेरे को वो भी थोड़ा सा ऐसा ही मोईदाम का टाइप का लगा था, लेकिन वो थोड़ा सा ईंट से कवर्ड था, लेकिन ये भी है, इसमें भी ऑक्टागोनल मेरे को दिख रहा है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि कोई जानकारी, ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हम लोग आखिरी मोईदाम की तरफ आ रहे हैं, लग रहा है ये सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है, बड़ा वाला है। और यहाँ पे सामने कुछ पैटर्न दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये ब्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक प्रिजर्वेशन के लिए। और क्या ये नया है, शेप देख के तो लग रहा है ये पुराना ही है, पुराना टाइम का ही है, स्क्वायर ब्रिक्स है। तो जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रिक थोड़ा सा पतला होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो ये ब्रिक भी वैसा ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पुराने टाइम से ही ये दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने अभी उधर भी देखा था, तो ये वाला में भी, इसमें भी ऐसे दिया हुआ है थोड़ा सा एक ब्रिक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है यहाँ पर। और ये भी आई थिंक ऑक्टागोनल ही है यहाँ पर स्ट्रेट आके, लेकिन इसके कॉर्नर में कोई राउंड वो नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा सीढ़ी टाइप का भी बना हुआ है, तो चलिए बढ़िया है, देखते हैं आगे जाके इसका एंट्रेंस का, एंट्रेंस को ढूंढते हैं। तो वैसे ये मैं ये घूम रहे हैं इसका एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं, और मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आसपास बहुत ईंट जो है, पुराने ईंट, पिछले भी वहाँ भी एक दिखा था तो मैंने उठा के लगा दिया था, यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि भाई साहब ये ईंट निकला हुआ क्यों है, तो शायद यहाँ से निकला हुआ, यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे निकला हुआ है। तो भाई साहब थोड़ा सा संभल के चलिए, लगा दिया यहाँ पे, और शायद उधर ऊपर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक दिख रहा है, लेकिन हम एंट्रेंस की तलाश कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये इस साइड, पीछे साइड जो है इसका दीवार जो है काफ़ी ऊंचा है और कंडीशन भी अच्छा है, नॉट श्योर कि ये रिस्टोरेशन किया हुआ है कि नहीं, लेकिन ये दीवार जो है अब तक जो का जो हम लोग देख रहे थे दूसरे में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड या कंजर्व्ड कंडीशन में यही वाला है। काफ़ी बड़ा है भाई साहब, ये काफ़ी बड़ा है, अगर बोल सके कि जो पिरामिड जो लोग बोल रहे हैं, तो बाकी जो दिखा उनमें तो मेरे को कुछ पिरामिड जैसा दिखा नहीं है, मिट्टी के टीले लग रहे थे, बट ये वाला जो है इसको थोड़ा सा थोड़ा मोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि पिरामिड जैसा है। और क्योंकि इसको कोशिश भी किया जा रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है इंडिया की तरफ से, तो ये वाला एटलीस्ट वर्थ इट है। और ये आ गए पिरामिड के रखवाले अनुबिस, काफ़ी पुराने इसके आसपास ईटा के ये निकले हुए हैं यहाँ पे, ये सब पुराना कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही है। और थोड़ा सा हम लोग जो नॉर्मल रूट है उससे थोड़ा सा साइड में आ गए, यहाँ पे चढ़ना बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग साइड से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा पीछे साइड दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई कितना बड़ा है ये। और ये वही वाला है जो खुदाई हो रखा था सामने, और यहाँ पे जो है ये मिट्टी के नीचे चला गया बिल्कुल, जो छोटा सा ईंट का दीवार था यहाँ पे भी था एक टाइम, ये गोल गुंबद ये बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, और वहाँ पे उस कॉर्नर में और एक होगा। अगर पूछे कि हिस्ट्री क्या है, तो भाई साहब ये वही 15वीं से लेकर 17वीं सेंचुरी तक जो राजा थे आहोम राजा, उन लोगों का ये बेरियल माउंड था। तो ये है चौरायदेव में, और चौरायदेव जो था ये जब पहले आहोम राजा लोग आए थे तो चौरायदेव में ही उनका कैपिटल सिटी था, उसके बाद उन लोगों का कैपिटल सिटी काफ़ी हद तक शिफ्ट हुआ था, बहुत बार शिफ्ट हुआ था, शिवसागर में भी था जो हम लोग जब कल गए थे, रोंगघोर और तोलातोलघोर वो भी था बाद में एक लेटर पीरियड में 17वीं में, लेकिन चौरायदेव जो था वो ही पहले इन लोगों का था। और ऑल थ्रू आउट जो 600 ईयर्स इन लोगों का रूल था आहोम राजा का, तो पूरे में ये इनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था, यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चलता था, और इस उनके आने से पहले भी ये एक सेक्रेट जगह थी यहाँ पे।
और जो यहाँ पे लोकल्स थे वो यहाँ पे पूजा वूजा करते थे, लेकिन फिर वो यहाँ पे आके उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस बना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, यहाँ पे 150 मोइदाम्स हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 4 देख रहे हैं, और आउट ऑफ 150 ऑलमोस्ट 30 जो है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज किया है। तो इसका मतलब 120 मोइदाम्स अभी भी यहाँ पे हैं जो लोग एनक्रोचिंग कर रहे हैं, ख़राब हो जा रहा है क्योंकि लोग उसको देख नहीं रहे हैं, लोग तोड़ दे रहे हैं, ग्रेव लूटर्स भी हैं यहाँ पे, ब्रिटिश लोग आके ये कुछ कुछ जगह खुदाई उदाई इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली खुदाई हुई थी, ब्रिटिश लोग आके यहाँ पे ग्रेव डिगिंग करते थे क्योंकि अंदर सोना वोना का बहुत कुछ रहता था, क्योंकि राजा को जब दफनाते थे तो उनके साथ बहुत कुछ बहुत कीमती सामान दिया जाता, तो ग्रेव लूटिंग होती थी पहले, अभी भी हो रही है। जब तक के ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके कुछ करें तो ये सब होता रहेगा। लोग यहाँ तक कि इसके ऊपर घर भी बना देते हैं रॉ मटेरियल के लिए, जैसे ऊपर जो घर बना हुआ है तो उसको तोड़ के ले जाते हैं, तो ये अगर इसको आइडेंटिफाई करके नहीं किया जाएगा तो ये सब फॉरएवर फॉर ऑल टाइम्स ये सब लॉस्ट हो जाएंगे और बाद में कुछ किया नहीं जा पाएगा। तो समय रहते ही थोड़ा इसको आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा प्रिजर्व किया जाए, यही उम्मीद है। यहाँ पे दूर दूर और दिख रहा है, वहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वो जो है गोवर्धन मोइदाम टाइप का दिख रहा है माउंड, और उसके ऊपर ईटा का वो दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी मोइदाम था। और क्या पता यहाँ आसपास ये जो छोटे छोटे जो हैं ये भी मोइदाम हो सकता है तो आर्टिफिशियल आपको दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ है और नीचे जो है ये लेयर आपको लाइन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो मे बी मोइदाम है या मे बी जो मट्टी यहाँ से हटाया गया होगा सो वहाँ पर रखा हुआ है, नॉट श्योर, अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपने को भी नहीं पता क्या है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यही मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा भाई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की सख्त कमी है। लेकिन जो भी हो हम लोग घूम लिए, काफ़ी अच्छा लगा, एरिया काफ़ी ग्रीन है, अच्छा है, शांत है। तो मैदान का तो हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना वाना खाने, नीचे ही रेस्टोरेंट है कुछ तो वहाँ पे जाके खाएंगे, उसके बाद हम लोग बैक करेंगे होटल की तरफ। तो अभी थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं लंच टाइम, ये यहाँ पे मोइदाम के सामने है होटल सुखाफा, वहाँ पे चलते हैं कुछ लंच वंच ऑर्डर करते हैं, और वही बैम्बू का बना हुआ है, चलिए अंदर देखते हैं।